Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो ये वीडियो देखी ना आपने, जो ये साफ दिखा रही और बता रही कि साउथ चाइना सी में तनाव एक बार फिर से भड़क उठा है। चीनी कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने दावा किया है कि एक फिलिपिनी जहाज ने जानबूझकर उनके एक जहाज को सबीना शोल के पास टक्कर मार दी। ये घटना इस क्षेत्र में पहले से ही बढ़ते हुए तनाव में और इजाफा कर रही है। सबीना शोल, जो फिलिपीन के पालावान प्रशांत से लगभग 140 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्रों में एक नई चिंगारी बन गया। इस क्षेत्र पर वियतनाम और ताइवान भी अपना दावा करते हैं, जिससे ये और भी संवेदनशील हो जाता है। इस घटना के तुरंत बाद चीनी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता गान यू ने फिलीपीन जहाज को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि फिलीपींस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। गान यू ने दावा किया कि चीन ने इस स्प्रेटलीस द्वीप समूह पर निर्विवादित संप्रभुता स्थापित की है, जिसे नॉन्सा द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। सबीना शोल का विवाद कोई नई बात नहीं, ये इलाका पहले भी कई बार चीन और फिलीपींस के बीच तनाव का कारण बन चुका है। अप्रैल में फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने अपने प्रमुख गश्ती जहाज बीआरपी टेरेसा मैकबानुआ को सबीना में तैनात कर दिया था, जहां उन्होंने उतले पानी में कुचले हुए कोरल के ढेर पाए गए थे। इससे संदेह उत्पन्न हुआ कि चीन यहां कुछ बनाने की तैयारी कर रहा। बता दें कि चीन की दादागिरी के खिलाफ फिलीपींस अकेला नहीं, वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। इन देशों के बीच हाल ही में हुए समझौते उम्मीद जगाई है कि शायद क्षेत्र में तनाव कम होगा, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से स्पष्ट हो गया कि चीन अपनी आक्रामक नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं। हाल के महीनों में चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी बढ़ी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ाई है और खुलेआम चीन की आलोचना की है। चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए अब समय आ गया है, और जिस तरह से चीन आक्रामक रवैया अपना रहा है, तो ऐसे में ये लगता है कि अब वो समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर और इस पर संदेश देगी कि किसी भी प्रकार की दादागिरी को सहन नहीं किया जाएगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि साउथ चाइना सी में तनाव और बढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से फिलीपींस ने चीन को साउथ चाइना सी में सबक सिखाया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।